तो दोस्तों अभी अभी एक कॉल आया था हमें अहमदनगर जिला नगर सिटी से, कुणाल लोया, इन्होंने कॉल किया। उन्होंने बताया कि उनके घर में एक सांप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे उन्होंने हमें कॉल किया, वहां पर हम निकले हैं, अभी वहां पर हम पहुंचेंगे, देखेंगे कौन सा सांप है और उसको पकड़ करके उसको जंगल में रिलीज करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कैमरामैन ऋषिकेश जाधव के साथ। क्या बोलते हैं, छोटा से भैया, दो फुट हाँ, दो फुट से खाने लगता है मैंने। बाटली है ना फ्रिज में, ये काय को देता है, ये बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है, बड़ी लगी वहां पीछे ना, पकड़ो भाई। इन्होंने कोको कोला की दे दो बाटली, हां कोको कोला की दे दो, कोको कोला की ना बड़ी बोतल दाई ले ले। तो दोस्तों आप देख सकते कि ये कॉमन वुल्फ स्नेक, अक्सर ये सांप जो है लोगों के घरों के आसपास घरों में मिलता है, ज्यादातर ईंटों के घरों में, जो मिट्टी के पुराने घर है उसमें ज्यादा पाया जाता है, ईंटों के घरों में, और सिटी में भी ये अक्सर आ जाता है, दूसरे तीसरे मंजिल पर भी ये पाया जा सकता है, दूसरे तीसरे क्या, जितना ज्यादा मंजिल हो सकती है उतने ऊपर वो जा सकता है। तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसे हिंदी में कोड़िया वाला सांप और मराठी में कवड़िया सांप, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अपने महाराष्ट्र में इसे कवड़िया नाम से जाना जाता है। तो हमारा बैग काफी बड़ा है, तो इसको हम बोतल में डालेंगे, इसको इस छोटा छोटा छेद करके इसको एक सेफ जगह पर छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये बिल्कुल नॉन वेनोमस, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन ये काफी काटता है और ये काफी फुर्तीला होता है। तो आप देख सकते काफी फुर्तीला है ये बड़ी आसानी से जो दीवार है इस पर चढ़ जाता है, लेकिन उसको ग्रिप होना चाहिए, ईंटों की दीवार पर ये आराम से चढ़ जाता है। तो नाम फिर एक बार बताओ, इंग्लिश में कॉमन वुल्फ स्नेक, हिंदी में कौड़िया वाला सांप, महाराष्ट्र में इसे कौड़िया नाम से जानते हैं। इसकी पहचान है, आप देख सकते कि गर्दन से लेकर के पूंछ की तरफ आपको एक उसके ऊपर व्हाइट कलर में कोड़िया दिखाई दे रही है, तपकीरी कलर में दिखाई देता है, चॉकलेटी हल्का सा लाल चॉकलेटी मुंह जो है उसका बदामी आकार की तरह दिखता है। कैमरा ज़ूम करो, तो आप देख सकते हैं उसका जो मुंह है बदामी आकार की तरह दिखता है, ऊपर का कलर जो है तपकीरी कलर में, उसके ऊपर व्हाइट कलर में कोड़िया दिखाई देती है गर्दन से लेकर के पूंछ की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम बोतल में रखते हैं। ज्यादातर ये 2 फीट के आसपास अपने घरों के आसपास दिखाई देते हैं। उसको ढक्कन देना, ठीक
मैं ढक्कन के बोतल से थे तो दोस्तों आपने देखा अभी अभी हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया था कुणाल लोया इनके घर में, कॉमन वुल्फ स्नेक। तो दोस्तों इसके बारे में काफी सारी जानकारी मैंने दे दी है, ये बिना जहर वाला, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही जोर से काटता है। और दोस्तों आपके घर के आसपास ऐसे सांप दिखाई देता है तो उसे मारना नहीं है, क्योंकि सांप एक नेचर का, एक पर्यावरण का हिस्सा, इसलिए हमने इसको बचाना है। और दोस्तों आपके घर के आसपास ऐसे सांप दिखाई देता है कोई भी छोटा बड़ा, तो आपने सीधा सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग को कॉन्टेक्ट करना है, या फिर हमारे जैसे जो स्नेक रेस्क्यूर है सांपों को बचाने का जो काम करते हैं उनको फोन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। नाम फिर एक बार बता रहा हूं दोस्तों, इसका नाम है कॉमन वुल्फ स्नेक, ये बिना जहर वाला है। इसे हिंदी में कौड़ियों वाला सांप, मराठी में कौड़िया सांप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।